Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you yet another list of synonyms based on the letter she. तो टॉपिक पे चलने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, हम शी लेटर पर आधारित सिनोनिम्स के इस लिस्ट की शुरुआत करें। द फर्स्ट वर्ड इज कैश, CACHE, कैश। इट्स अ नाउन मीनिंग एनीथिंग स्टोर्ड सीक्रेटली, कोई भी चीज जिसको गुप्त रूप से स्टोर कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। आपके मोबाइल में भी जब आप सेटिंग में जाएंगे तो एक कैश हेडिंग आएगा जिसमें अननोइंगली या गोपनीय रूप से आपके कुछ डाटा स्टोर्ड हो जाते हैं। इनको आप रिमूव करके फोन को क्लीन कर लेते हैं, कैश। द नेक्स्ट वर्ड इज कैलीग्राफी, इट्स ए नाउन मीनिंग ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग, सुंदर हस्तलिपि, हस्तलेखन। The next one is carnage. It's a noun meaning massacre, सामूहिक हत्याकांड, निर्दोष लोगों को समूह में आए दिन जो आतंकवादी मारते रहते हैं उस तरह की घटना को हम carnage या massacre कहते हैं। The next one is cater. It's a verb. It means to provide what is desired. आप जो भी इच्छा करते हैं उसको प्रदान करना, इस क्रिया को हम केटर कहते हैं। आप रिसेप्शन में, शादी विवाह में, किसी मौके पर जब भी डिनर पार्टी के लिए जाते हैं तो देखिएगा काउंटर पे भोजन के पीछे, डिशेस के पीछे कुछ पर्संस खड़े होंगे जो आपको केटर करेंगे, दे आर केटरर्स। द नेक्स्ट वन इज कॉस्टिक, इट्स एन एडजेक्टिव मीनिंग बाइटिंग, सार्कास्टिक, बोल चाल में, बोली में बहुत तीखा, अति व्यंगात्मक, कॉस्टिक की तरह तकलीफ देने वाला। द नेक्स्ट वन इज सीसलेस, इट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअस, आबाद, बिना रुके, लगातार। आप कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीसलेस इफर्ट्स। द नेक्स्ट वन इज सेलार, इट्स ए नाउन, इट मीन्स एन अंडरग्राउंड रूम और रूम्स, बहुवचन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, सेलार, an underground room. The next word is chaotic. Chaotic, having no order, in a complete disorder or confusion, बिल्कुल अराजकता की स्थिति में, एकदम तितर पितर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई लॉ नहीं है, कोई रूल एंड रेगुलेशन काम नहीं करता है, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। द नेक्स्ट वन इज चॉ, CHORE, चॉ। इट्स ए नाउन मीनिंग ए स्मॉल रूटीन टास्क, ए स्मॉल अनप्लीजेंट टास्क, स्पेशली बोरिंग। कोई भी काम जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ये सब रूटीन टास्क हैं, बट इन टास्क को करने में आपको मजा नहीं आता, ये उबाऊ काम है लेकिन करना है। जनरली ये काम महिलाओं को सौंप दिया जाता है और जब पुरुष को करना पड़ता है तो पता चलता है कि ये कितना डिफिकल्ट टास्क है।
The next one is clamo. Clamo is a noun meaning loud outcry or uproar. जोर की आवाज, चिल्लाहट, हल्ला गुदाल, जैसा पार्लियामेंट में आप सुन लेते हैं. नेक्स्ट वन इज क्लोजेट, अ स्मॉल रूम फॉर प्राइवेसी. किसी बड़े कमरे से लगा एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें आप, खासकर महिलाएं, अपने निजी कार्यों को करती हैं. क्लोजेट का एक अर्थ कबर्ड फॉर कीपिंग क्लोथ्स, कपड़े रखने के आलमीरा के रूप में भी किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज क्लम्सी, इट्स एन एडजेक्टिव, लैकिंग ग्रेस और स्किल, नॉट प्रॉपरली मेड. एक एडजेक्टिव है ये, कोई भी ऐसा काम जिसमें ग्रेस या स्किल की कमी नजर आती हो, उसे प्रॉपर वे में नहीं शेप किया गया हो, बनाया गया हो. जैसे सुबह सुबह आप जब उठते हैं, खास करके लंबे बाल वाले, तो उनके बाल बिखरे होते हैं अनटिल इट इज कॉम्ब्ड, तो उसे आप क्लम्सी हेयर कहेंगे. द नेक्स्ट वन इज कंपेंडियम, इट्स ए नाउन मीनिंग एब्रीजमेंट, इंडेक्स, किसी भी चीज का सारांश, शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन. जैसे पूरी किताब, उसके शुरू में आप कंटेंट्स, विषय सूची देते हैं, जिसे आपने दिया आर्टिकल, बस इतना पेज नंबर, इतना से इतना. लेकिन उसमें सपोज किसी स्टूडेंट को, किसी रीडर को जरूरत है एन के यूजेज, कहां कहां करने हैं, कहां नहीं करने हैं, तो डिटेल्ड कंटेंट्स के लिए उस पूरे बुक का एक एब्रिजमेंट कंपेंडियम होगा अंडर द हेडिंग ऑफ इंडेक्स. अच्छी किताबों की पहचान है स्टूडेंट्स, कि हर किताब के पीछे में इंडेक्स दिया जाता है. द नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लेसेंसी, इट मीन्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, संतोष. अपने आप से आप संतुष्ट रहते हैं कि मैं जो भी करता हूं, जो भी कमाता हूं, उतना पर्याप्त है. द नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लेजेंट, इट्स एन एडजेक्टिव, इट्स मीन्स विलिंग टू प्लीज, विलिंग टू ऑब्लाइज. आप किसी को खुश करने के लिए आतुर हैं, किसी को हेल्प करने के लिए आप उत्सुक होते हैं. अच्छा गुण है. द नेक्स्ट वर्ड इज कंक्यूपिशंस, कंक्यूपिशंस, इट्स ए नाउन मीनिंग लास्ट स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर. काम पिपासा, वासना की प्रबल इच्छा, इसे हम लस्ट कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज कंडोन, इट्स अ वर्ब मीनिंग टू फॉरगिव और टू पार्डन. किसी से कोई गलती हो गई तो वो कंडोन के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेगा, और आप उसे यदि क्षमाशील हैं तो कंडोन कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे, पार्डन कर देंगे. कॉन्फ़िगरेशन, इट्स अ नाउन मीनिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, किसी चीज के हिस्सों को अरेंज करना. आपके पास जब भी आप फोन पर, एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आता है, उसमें आप अरेंज करते हैं. एक आउटलाइन, एक खाका, जिसके तहत आप किसी चीज को अरेंज कर देते हैं. सच एन आउटलाइन, सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन. द नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन, इट्स ए नाउन मीनिंग अ बिग डिस्ट्रक्टिव फायर. हिंदी में इसे हम दावानल कहते हैं, एक बहुत बड़ा विनाशक अग्नि, आग लग जाने की क्रिया,
आमतौर पर ये जंगलों में लगती है, इसीलिए हिंदी में इनको कहा गया दावा नल कन्फ्लैग्रेशन। द नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन एक जगह इकट्ठा होना, इट्स अ नाउन मीनिंग गैदरिंग फॉर रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए जो गैदरिंग होती है, जो हम समूह में इकट्ठे होते हैं, भीड़ लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट वन इज कंसैंग्विनिटी। कंसैंग्विनिटी इट्स ए नाउन, इट मींस किनशिप, रिश्तेदारी, बहुत निकट की रिश्तेदारी को कंसैंग्विनिटी, किनशिप कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंशियस। इट्स एन एडजेक्टिव मीनिंग आर्ग्यूमेंटेटिव और डिस्प्यूटेबल, विवाद पैदा करने वाला, विवाद के लायक, विवादित। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्नर्ड मीनिंग चेंज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, बदला हुआ, परिवर्तित। कॉर्नर्ड स्टेटमेंट, कॉर्नर्ड बिहेवियर। द नेक्स्ट वर्ड इज कवर्ड। इट्स एन एडजेक्टिव मीनिंग क्लैंडेस्टाइन और हिडन, छुपा हुआ, नॉट एक्सप्लिसिट, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है, इट्स इम्प्लिसिट, क्लैंडेस्टाइन। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रूसेड। इट्स ए नाउन मीनिंग रिलीजियस वॉर, धार्मिक युद्ध, धर्म युद्ध, जिहाद, जिसका आजकल बहुत उपयोग किया जा रहा है। द लास्ट वर्ड इज कल्डिशैक। इट्स ए नाउन, इट मीन्स अ ब्लाइंड एली, एक ऐसी गली, एक ऐसा पथ जो आगे चलकर समाप्त हो जाता है, उसके बाद वो किसी भी रास्ते में, किसी भी गली में मिलता नहीं है, ऐसे बंद गली को हम इंग्लिश में कल्डिशैक कहेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, आप एक एक शब्द को बहुत ही तन्मयता के साथ पढ़ें, स्पेलिंग को पढ़ें, मीनिंग को पढ़ें, उन पर बेस्ड आप छोटे 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 सेंटेंस बना लें, उनको बार बार इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, बोलें, तो आप पाएंगे कि ये सारे के सारे सिनोनिम्स आपके दिमाग में स्टोर होते जा रहे हैं। मेरा ये तरीका अपनाना नहीं भूलिएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू for watching my video.